शिमला के संजौली में बनी एक मस्जिद को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। स्थानीय लोग इस मस्जिद के अंदर हो रहे अवैध निर्माण का विरोध कर रहे हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। पूरे इलाके में धारा 163 लगा दी गई है। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले में अभी तक क्या हुआ है और लोगों के इस विरोध प्रदर्शन का कारण क्या है। इस मस्जिद का निर्माण साल 1947 में हुआ था। साल 2010 में इस मस्जिद में पुनर्निर्माण का काम शुरू किया गया। बताया जाता है कि इस मस्जिद में पहले एक मंजिल का निर्माण किया गया था, लेकिन बाद में अवैध तरीके से इस निर्माण कार्य को और आगे बढ़ाया गया। मस्जिद में हुए इसी अवैध निर्माण कार्य को लेकर शिमला नगर निगम ने कई बार नोटिस जारी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध निर्माण को नहीं रोका जा सका। नगर निगम की नोटिस के बाद इस मस्जिद में अवैध निर्माण को नहीं रोका गया। अब ये मस्जिद कई मंजिल की हो चुकी है। अब मस्जिद में हुए इसी अवैध निर्माण कार्य के खिलाफ शिमला में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। लोगों का कहना है कि वो इस धार्मिक स्थल के खिलाफ नहीं, बल्कि इसके अंदर जो अवैध निर्माण हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि उन्हें शक है कि इस मस्जिद के अंदर मदरसा चलाया जा रहा है और इस मदरसे में यूपी के अलग अलग शहरों से मौलाना तालीम देने आ रहे हैं। मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। ओवैसी कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान पर सवाल भी उठा रहे हैं। मामले पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी बयान दिया है। उन्होंने अपने इस बयान में कहा है कि हर किसी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे प्रदेश की शांति भंग हो। राइटफुल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और सरकार ने भी ये चीज़ कहा है कि आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए, मगर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हमारे शांतिपूर्ण माहौल में कोई वहाँ पर जो है खराबी आए। बाकी जहाँ तक उस अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पर क्योंकि वो मैटर सब जूडिस है, म्यूनसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, वो वहाँ पे उसकी हियरिंग होगी तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। और हमने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको जो है कानून की प्रक्रिया के माध्यम से उसको डिमोलिश किया जाएगा। शिमला में पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार देर रात इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला था।